धर्मशाला में युवा कांग्रेस द्वारा पेट्रोल की कीमतों व गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान युवा कांग्रेस ने कचहरी चौक से डीसी कार्यालय तक रैली निकाली व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि बढ़ती महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार ने अपना मुंह बंद किया हुआ है और वहीं प्रदेश में 15 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं, जिनके लिए प्रदेश सरकार कोई भी योजना लाने में नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने चुनाव से पहले जो वायदे प्रदेश के लोगों के साथ किए थे वे जुमले साबित हुए हैं तथा पिछले 4 वर्षों में भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश में सबसे बड़ा सैनिटाइजर घोटाला सामने आया था, जिसमें भाजपा के नेता ने नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा कि दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई के खिलाफ युवा कांग्रेस 18 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी व जन विरोधी नीतियों के खिलाफ युवा कांग्रेस अपनी आवाज बुलंद करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के खिलाफ जल्द बेरोजगार यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की पूंजीवादी सरकार तानाशाही सरकार बन चुकी है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के खिलाफ युवा कांग्रेस के धरने प्रदर्शन आगे भी जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज पेट्रोल की कीमतें 100 से पार हो चुकी हैं, गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। लगातार महंगाई के कारण आम आदमी का जीना दुर्बल हो गया है। सरकार खामोशी से तमाशा देखने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, जबकि प्रदेश की जयराम सरकार मोदी सरकार को खुश करने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिला रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने विकास के नाम पर लोगों को गुमराह किया है। इस मौके पर महंगाई को लेकर युवा कांग्रेसी ने एडीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। मैं बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा पिछले एक महीने से लगातार विधानसभा स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दामों में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, बेरोजगारी को लेकर और जो प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है, उन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रही है और धरना प्रदर्शन के माध्यम से युवा कांग्रेस सरकार, जो गूंगी बहरी सरकार बैठी है, इसको जगाना चाहती है और जो आम जनमानस तक जो सरकार की गलत नीतियां हैं, जो सरकार की दमनकारी नीतियां हैं, जो तानाशाही सरकार है, इसके बारे में एक आम जनमानस को जागरूक करना चाहती है। 18 तारीख को भी प्रदर्शन निकल रहे हैं। ये देखने में आ रहा है कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की जो एक्साइज ड्यूटी और जो बैट है उसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं, तो कांग्रेस की जहां सरकार है वहां पर क्यों नहीं जो ये बैट लिया जा रहा है उसको कम किया जाता। मैं बिल्कुल आपका सहना कही है। मैं बताना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार के पास एक विशेष अधिकार होता है, वो चाहे तो अपने तरफ से इस पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती कर सकती है। हमने जहां कांग्रेस की सरकार है, युवा कांग्रेस के साथियों के द्वारा वहां भी धरना प्रदर्शन किया गया, सरकार से गुजारिश की गई। मैं बताना चाहूंगा अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, वहां युवा कांग्रेस के साथियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और वहां पर भी 1.5 से 2 रुपये सरकार ने पेट्रोल डीजल में कम किए हैं। और मैं पूछना चाहूंगा कि जब यहां पर भाजपा की सरकार है तो प्रदेश सरकार के पास विशेष अधिकार होते, तो सरकार क्यों यहां पर दाम कम नहीं कर रही। विधानसभा घेराव कब करने जा रही है? विधानसभा घेराव 18 तारीख को प्रदेश युवा कांग्रेस की तरफ से विधानसभा का घेराव किया जाएगा। उसमें तमाम मुद्दे, चाहे महंगाई है, चाहे भ्रष्टाचार है, चाहे आपका बेरोजगारी है। मैं बताना चाहूँगा कि आज हिमाचल प्रदेश में सीमेंट का उत्पादन होता है, आज अब हरियाणा में देखोगे हिमाचल प्रदेश में सीमेंट महंगा मिल रहा है और हरियाणा में सस्ता मिल रहा है। तमाम ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, बिजली महंगी हो चुकी है, पानी महंगा हो चुका है, तमाम जितने भी जो मुद्दे हैं इन सबको लेकर युवा कांग्रेस के साथियों के द्वारा सरकार का घेराव किया जाएगा 18 तारीख को।